हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी C65 फ़ोन है, तो रियलमी C65 फ़ोन की रियलमी नार्जो 75G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में OTG ऑफ सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन में OTG कैसे सेट कर पाएंगे रियलमी नार्जो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि OTG को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि OTG कैसे कनेक्ट करें रियलमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो भी आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं स्वाइप करते ही सेटिंग्स का। इस पे जाते ही आपके फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर OTG ऑप्शंस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि आप OTG को कनेक्ट कर पाएंगे। सिंपली आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स पे, एडिशनल सेटिंग्स पे जाकर OTG कनेक्शंस आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके इस तरीके से ऑन करते ही OTG कनेक्शंस आपके फ़ोन में आ जाएगा, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में OTG कनेक्ट कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और साथ में इसका यूज़ भी कर सकते हैं। पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो ऑप्शंस नहीं मिलता है, तो यहाँ से सर्च करके भी जा सकते हैं। बस OTG आपको सर्च करना है, जहाँ से OTG कनेक्शंस का ऑप्शन आपके फ़ोन में आ जाएगा, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में OTG कनेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं और OTG पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर पाएंगे अपने फ़ोन में जब आप इसका यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनेबल एंड डिसेबल करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं और 10 मिनट के लिए अपने फ़ोन में OTG पेन ड्राइव को कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से OTG कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक